सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लेट आपके पास मैं वीडियो पहुंचा रही हूं किसी कारणवश से। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। भाई बहन के पावन पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आइए राखी बंधन कर लेते हैं। रात का टाइम है, रात के 11 बज रहे हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका यूट्यूब चैनल जैसे जी उन्हें बहुत बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रात के 11 बज रहे हैं और अभी हमारा राखी बंधन हो रहा है। एक सिस्टर आई अभी अभी, तो हम अभी राखी बांध रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, फिर खाना खाएंगे सब लोग। अभी राखी बांध देते हैं पहले, वापिस पे जल्दी जाएंगे। दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं, हम राखी बांध रहे हैं। भाभी को सुबह जल्दी जाने से उचित रात को बांध रहे हैं। भाई, भाभी, तेजा दीदी सबको हम राखी बांध देते हैं। मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक साथ राखी बांध रहे हैं। तो पहले मैं बांध देती हूँ, फिर वो बांध देगी। वो वीडियो के सामने नहीं आती है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लेके आती हूँ। और यहाँ खूब मस्ती होती है, खूब इंजॉय किया जाता है, हंसी मजाक होता है, बहुत सारा टाइम बीतता है, पता ही नहीं चलता समय का। और खाना भी अभी खाना है, रात के 11 बज रहे हैं, मेहमान भी घर में आए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम बीतने वाला है। और बहुत सारे लोगों के बीच में पता भी नहीं चलता कि कब समय बीत जाता है। तो सब और हंसी मजाक, टिटोली चल रही है, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए आस पास, तो बहुत इंजॉय किया जाता है। एक दिन भाई बहन का होता है, वैसे तो हर दिन भाई बहन का होता है, लेकिन एक खास दिन होता है तो इसको खूब इंजॉय करते हैं, बहुत मन लगता है। ऐसे दिन हमेशा होने चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि हर बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी होगी। बहुत से भाई ऐसे भी है जिनकी कोई बहन नहीं है, और बहुत से बहनें ऐसी हैं जिनके कोई भाई नहीं है। दुख होता है। और अब की बार दीदी भी नहीं आई है, तो इनकी कलाई भी सुनी रही है, हम सबकी कलाई सुनी रही है। तो मम्मी बोल रही थी मेरी सिस्टर को, तो इसको तो राखी बांध दे, कलाई सुननी है। लेकिन नहीं, मन भी नहीं किया, पतिदेव जी की कलाई भी सुननी है। तो और दीदी किसी कारणवश नहीं आ पाए, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं आया जाता। तो यहाँ पर राखी बांध देते हैं, उसके बाद मेरी सिस्टर राखी बांधेगी, फिर खाना वेना होगा और फिर मेहंदी वगैरह लगाएंगे। रात को मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो भाभी बोल रहे थे मेहंदी लगानी है। तो बहुत सारा टाइम बीत जाता है और खूब इंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पे पहले दिन राखी बंधन हो रहा है, और दूसरे दिन बच्चों की राखी हुई थी, मनीष और मनन की। यहाँ आने के बाद सुबह के टाइम राखी नहीं बांधनी थी, शाम को बांधनी थी दूसरे दिन भी। तो इस वजह से आजकल हर साल ये चलन चल रहा है, कभी बद्रा लगे, कभी पंचक है, तो राखी बांधने का सिलसिला बस इधर उधर से हो गया है। यहाँ पर गिफ्ट का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो राखी बंधन हमारा हो चुका। अभी मेरी सिस्टर राखी बांधेगी और अभी बच्चे राखी बांधेंगे। हमारी परी मनीष और सौर्य को राखी बांधेंगे। मनीष तो वीडियो के सामने नहीं आया, लेकिन सौर्य का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बच्चों की राखी बहुत अनोखी होती है, बहुत सारी मस्ती करती हैं। और ये बहुत छोटी है, परी 3 साल की है, तो उसको पूरा नॉलेज नहीं है। तो भाभी राखी बंधवा रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएगी, ये भी बड़ी होगी। हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा करने की कोशिश करते हैं, हमारे संस्कार और संस्कृति सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भी हमें सिखानी चाहिए, हमारी परंपराएं ज़िंदा रहनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी परंपराएं संस्कृति सब छूट रहे हैं। तो हमारे सौर्य के भी नखरे बढ़ गए, कभी गुलाब जामुन नहीं खाना है, कभी रसगुल्ला नहीं खाना है, कभी काजू कतली खानी है, तो बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाती है, तो बच्चों के नखरे भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ शुरू हो गई है मनन और मनीष की राखी। नीतिका और वर्षिका राखी बांध रही है, तो मनन के बहुत सारे नखरे होते हैं, बहुत छोटा है वो। मनीष को देख कर सारी बातें फॉलो कर रहा है, कभी कुछ खाने का मन नहीं है उसका, लेकिन मनीष को देख कर वो खा रहा है, राखी बंधवा रहा है। बहुत तंग किया, फिर इसके बाद इनका राखी बंधन हुआ। दोनों एक जैसे हैं, और छुटकी भी छोटी है, तो इसको पूरा नॉलेज नहीं है राखी बांधने का, इसे राखी नहीं बांधी जाती। तो एकदम से पूजन वगैरह पूरा हो रहा है, ये सब मैंने भी नहीं किया, मिस किया। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, दीप जलाया है, आरती उतारी है, और मनन के नखरे भी शुरू हो गए हैं। जब बच्चे राखी बांधते हैं तो बचपन को बहुत मिस करते हैं। बचपन में ऐसा ही होता था, भाइयों के साथ गिफ्ट की जिद, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा ही होता है। छोटकी अपना गिफ्ट मांग रही है, बहुत छोटी है, तो बच्चों को अपनी गिफ्ट चाहिए, तो भाई दे रहे हैं नकली गिफ्ट, इनके पास गिफ्ट नहीं है, पैसे दिए सिर्फ। और इसमें भी नखरेबाजी, एक बार बच्चों का मन खुश हो जाता है देख के भी गिफ्ट मिला है, लेकिन गिफ्ट नहीं दिया है, पैसे ही दिए हैं। तो आपको दिखाती हूँ इनके नखरे। भाइयों के बीच हो गई है फाइट। खुल गया। क्या है? रक्षाबंधन एंजॉय हो रही है यहाँ पे। राखी बंधवा लो, राखी राखी।
भाइयों के नखरे देखिए कितने हो रखे हैं। दीदी वेट कर रही है राखी बांधने के लिए और भाई देखिए कितने कितने बेवकूफ हो रखे हैं यहाँ पे। क्या है गिफ्ट दिखाओ इतने बड़े डिब्बे में, क्या है दिखाना? हेलो ये क्या है? इसके बीच में शायद कुछ निकलेगा। कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? नहीं। आपके भैया ने तो आपको धोखा दे दिया। चावल अपने आप क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। राखी बंधवाओ। अभी बड़ी बहन राखी बांधेगी तो राखी का वीडियो तो मेरे से शूट नहीं हुआ गलती से, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ जितना शूट हुआ है। तो आप सभी को एक बार फिर से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। खोल के देखो अभी इसमें क्या है। पता नहीं मेरे भाइयों ने मुझे क्या गिफ्ट किया होगा। सारे सोने की चूड़ियां। कई बार लड़कों का हो जाता है नीचे होगा शायद। नीचे देखो बहुत नीचे होगा ना, कवर में देखती हूँ। खाली डिब्बा दिया, इन दोनों को मैं छू